देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो वेव की प्रोपेगेशन कहां पर है? पॉजिटिव एक्स में. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वाई एक्सिस में. तो कॉरस्पॉन्डिंग बी वेक्टर क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मैंने ऑप्शन बनाए नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है. तो मेरे को क्योंकि ई वेक्टर गिवन है, मुझे ई का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं सी इज इक्वल टू ई बाई बी के फॉर्मूले से बी की वैल्यू निकाल लूंगा. क्योंकि वेव प्रोपगेशन जो होती है वो ई क्रॉस बी के साथ होती है. क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में ई वेक्टर गिवन है जे कैप है, वेव की प्रोपगेशन गिवन है आई कैप है, तो मैं कौन सा कैप लगाऊं बी में कि क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास आई कैप आ जाए? तो आंसर के कैप है. तो इसलिए मैग्नीट्यूड बी का हमें पता है, पीछे कौन सा कैप है? के कैप है आंसर है. तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा एबीसीडी में से. क्लियर है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. EM वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेशन है. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड E नॉट है, होता होगा. N कैप वो बता नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस कैप के अलोंग है. अगर बता देता I कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप के अलोंग है. फिर एक और प्रॉब्लम है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग. मेरे को जो फॉर्मूला आता है वो वेव की इक्वेशन में ही आता है, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. बस मुझे या के एक्स या के वाई या के जेड कुछ ऐसा ही बस. पर उसने क्या किया, उसने के तो मुझे पता नहीं पर ये कुछ अजीब सी वैल्यू दे दी वाई और जेड दोनों. हमने वेव की ऐसी इक्वेशन की नहीं है. हमने ऐसा तो किया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स या साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. एक कॉन्स्टेंट के होता है और कोफिशियंट एक्स या वाई होता है, सिंपल. पर ऐसी इक्वेशन हमने नहीं की. तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में वेव की इक्वेशन ये नोट करें, ये नोट करें. मेडिकल में आने का चांस तो मैंने कभी देखा नहीं, ये मुश्किल है. तो नॉन मेडिकल में आया हुआ है तो आपको तो करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको. तो मेडिकल के लिए मैं बता दूंगा, मेडिकल के लिए वैसे आने वाले क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं जो आप सुन सकते हो, बट आप इसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, मतलब आपके उसमें रेंज में है नहीं, नहीं आएगा आपको, मेडिकल में नहीं आएगा. फिर भी चलो आप फ्री बैठे तो सुन लो, करोगे भी क्या बैठ के. तो ये ई वेक्टर का फॉर्मूला नोट करें, मतलब वेव की इक्वेशन, एक नई फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये रही, रिमेंबर करना है. तो मेरे को ये इक्वेशन गिवन है और इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया. आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेव का, और के वेक्टर क्या है अभी बताऊंगा. यहां से कंपेयर करके आप यहां से माइनस k वेक्टर डॉट r वेक्टर की ये वैल्यू निकाल लें. ऑब्वियसली इसे इसे क्या कर लें, कंपेयर. तो ये टर्म आ गई, ठीक, ये टर्म आ गई. अब इसमें k वेक्टर को लिखें माइनस लगा के, k वेक्टर को लिखें के एक्स के वाई के जेड आई जे के, r वेक्टर को लिखें एक्स वाई जेड आई जे के साथ, और ये वैल्यू आपको क्या है. अब क्या है k वेक्टर बताता हूं. आप अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास ये टर्म आएगी. के एक्स का कोफिशियंट ही नहीं है तो आंसर के एक्स का कोफिशियंट जीरो आएगा. कंपेयर करके के वाई और के जेड निकाल लें तो यहां से आपके पास ये के वेक्टर आ गया. के वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. तो जहां वेव की इक्वेशन लिखी है नॉन मेडिकल वालों ने, लिख लें के वेक्टर वेयर, यहां पे लिख लें के कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. तो के कैप गिव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक. मेडिकल में नहीं आएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, नहीं आएगा.
इसके अंदर ये के वेक्टर आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है, के कैप क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है। तो कई बुक्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के कैप लिखती हैं, कई एस कैप भी लिखती हैं आंसर। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन पूछेगा ये आंसर है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं, एनसीईआरटी बेस भी नहीं है, नया फॉर्म है इक्वेशन का, तो इसलिए मैंने करवा दिया नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल में तो नहीं आता पक्की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मेंस वालों ने मिलता जुलता क्वेश्चन एक और दे दिया, सेम इस बार और कॉम्प्लेक्स दे दिया। कैसे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे दी, अंडरलाइन कर लो, मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल ओनली, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन दे दी। इस इक्वेशन की फिर वही समस्या है, या तो वो दे के एक्स प्लस ओमेगा टी, टाइम तो दे नहीं रहा, टाइम कैसे देगा क्योंकि टाइम की वैल्यू है क्या, जीरो, तो टाइम तो दे नहीं सकता, तो उसने ये इक्वेशन दे दी। अब पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर एक्स जेड एक्स वाई हो तो मेरी वही इक्वेशन काम आने वाली है जो मैंने आपको लिखवाई थी, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ फर्क कोई नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो ये वेव की इक्वेशन मुझे गिवन है, अब मैं अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, लेकिन ओमेगा टी तो जीरो है क्योंकि टाइम जीरो पे इक्वेशन गिवन है, तो यहां पर ये फैक्टर तो जीरो ही आएगा। बची हुई वैल्यू को कंपेयर करेंगे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के साथ, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ताकि के वेक्टर बाहर आए, इसको ऐसे लिखा जाता है 6i कैप प्लस 8k कैप डॉट प्रोडक्ट xi कैप प्लस zk कैप। इससे क्या होगा आप चेक करो, आंसर यही आएगा डॉट प्रोडक्ट से। लिखने का स्टाइल देखो, 6 के पीछे x है तो i कैप, 8 के पीछे z है तो k कैप डॉट फिर x और y z। तो ये आंसर आ गया, इससे कंपेयर करके k वेक्टर बाहर आ गया, k वेक्टर बाहर आ गया। अब k वेक्टर क्या है, वेव की प्रोपेगेशन है, तो k वेक्टर वेव की प्रोपेगेशन आपको b वेक्टर बताना है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड पता है, पर बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बी की डायरेक्शन होगी वो के कैप और ई कैप के परपेंडिकुलर होगी क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। के कैप का मतलब है वेव की प्रोपेगेशन, ई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की का यूनिट वेक्टर, तो बी कैप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्योंकि के वेक्टर हम निकाल चुके हैं तो के कैप क्या होगा, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, के कैप आ गया, के कैप आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है किसके अलोंग है, जे कैप। तो ये देखो यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाला हूं, ये कैप है के क्रॉस ई, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो 10 जे कैप है और के कैप का कोफिशियंट 3/5 और 4/5 लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेके यूनिट वेक्टर जो आया वो यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बी कैप आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, बी के मैग्नीट्यूड के पीछे ये बी कैप लगेगा, तो बी वेक्टर का फुल फॉर्म आएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको करना आसान नहीं है, ये एक ही बार आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने ज़रूर बता दिया, पर हाँ ये मुश्किल क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप कर पाएँ सेम क्वेश्चन आ गया फिर कर भी लेने, अगर कुछ चेंज हो गया आ गया तो आपको आइडिया दे दिया मैंने कैसे करना। ये दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, जिसका आइडिया मैंने आपको दे दिया, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं कर लें, नहीं तो इट्स ओके। सारा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, 100 में से एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा बस, 100 में से, राइट। तो इतना मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। वैसे जो मैंने ऑब्जर्व किया है ईएमवीएफ का क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता ऐसा, ये मेंस वालों के लिए इसलिए करवाया जा रहा है, वो या डाउट्स पूछने आ जाएंगे कि यार बताना जरा ये देख क्वेश्चन कर दो एक बार, तो वो डाउट्स कम से कम नहीं पूछेंगे, आपको आइडिया होगा कि इक्वेशंस कैसी है। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रीवियस शीट में किए हमने, या मैंने आपको मेंस और नीट के क्वेश्चन पेपर ही दे दिए जब लाइव इससे ऊपर, तो क्या ही दूंगा मैं आपको। आप चेक करेंगे स्टेटमेंट, दो दो लाइन की स्टेटमेंट है हर क्वेश्चन में, बहुत सिंपल आया हुआ है। तो फिर भी चलो ये क्वेश्चन देखो, हिट एंड ट्रायल ज़्यादा चलता है वैसे इन क्वेश्चन में, हिट एंड ट्रायल ज्यादा चलता है इक्वेशंस में, कैसे मैं दिखाता हूं। जैसे वो कहेगा कि बी वेक्टर वो आपको दे रहा है, बी वेक्टर के एंड में डायरेक्शन दे रहा है, तो ये बी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, टू आई कैप प्लस जे कैप, अंदर जेड आ रहा है तो वेव प्रोपेगेशन इज अलोंग जेड एक्सिस, जेड में वेव प्रोपेगेशन है, बी की डायरेक्शन आ गई, कह रहा है ई वेक्टर क्या होगा, मार्क करके बताओ इन ऑप्शन में से। अब ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो साइड पे निकाल लेते हैं पहले, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, ये बी नॉट है तो यहां से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ई नॉट, तो ई नॉट आ गया। तो आप क्या करेंगे इसमें,
आप इसमें ये चेक करेंगे कि ई नॉट किसके साथ मैच कर रहा है। अब मेरे ख्याल से ये स्टेप बिल्कुल बेकार गया मेरा करना, क्योंकि ई नॉट सब में क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम, मतलब अननेसेसरी मत करना ये स्टेप भी, कंपैरिजन नहीं हो पाया। फिर उसने कहा वेव प्रोपगेशन की जो जो वेव की प्रोपगेशन है वो कहाँ पर है, वो जेड में है। तो मेरे को लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन बनेगी वो भी जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन भी जेड में बननी चाहिए। तो मैंने जब देखा ऑप्शन में, यार सारे जेड हैं, वो भी गया, सारी जेड हैं। अब क्या रह गया, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाए, 90। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर और ई वेक्टर का क्या आना चाहिए, जीरो। तो अगर बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप है तो ई वेक्टर ऐसा चूज करो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो चेक करो ये डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो। लेकिन मेरे को लगता है ये भी डॉट प्रोडक्ट जीरो देगा। चेक करना जो 2i कैप प्लस j कैप है ना, तो अगर 2i कैप प्लस j कैप है, 2i कैप प्लस j कैप है, ये डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है और किसका है, हाँ सी का भी है। तो आंसर ए या सी में से। अब एक और स्टेप करना पड़ेगा, अब चूज देखो ये तो एलिमिनेट हो गए, अब अपने को देखना पड़ेगा इसमें और इसमें क्या आंसर है, क्या बचा हमारे पास। अब हमारे पास एक ही चीज़ बची कि दोनों में से चेक करने के लिए डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या होता है, ई क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या होती है, ई क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है, के कैप है, तो आंसर के कैप आना चाहिए। बी वेक्टर हमें पता है, तो मैं ई वेक्टर क्या लूं, दो ही तो ऑप्शन है मेरे पास, ताकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को क्या दे, के। अब या तो आंसर माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप देगा या आई कैप माइनस टू जे कैप देगा, एक ही देगा। तो ये दे रहा है तो फिर आंसर आ गया। तो एक स्टेप और फालतू हो गया, नॉन मेडिकल, मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल रिलैक्स करें 5-4 मिनट, कुछ नहीं करना आपने। आप बस मेडिकल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, आप तो मैंने दे रखा है आपको प्रिंटआउट, वहां से कर लो, समझ में आता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेंस वालों को समझ में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन, सारी शीट ही एक्सेप्शनल है, ये भी सुन लो, मतलब जो टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन है वो सारी शीट में डाल दिए एक ही बारी, ना इसको रेफरेंस मत मान लेना कि हम EMM छोड़ के जा रहे हैं सोच रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चन वो है जो ना करने वाले क्वेश्चन है, करने वाले क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट चलो हो सकता है यार पेपर इस लेवल का बन जाए कि आप फंस ही जाओ, कम से कुछ तो कर लो, ठीक है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस ही है। ऐसे प्रोबेबिलिटी कम है फंसने की EMAs के अंदर, आप अगर पुराने पेपर सॉल्व कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन रेपिटेशन मिल जाएंगे आपको, बस प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना जो दिए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1 महीना लगा के क्वेश्चन ठीक करोगे, EMA में 2 घंटे लगा के क्वेश्चन ठीक कर दोगे, इतना स्कोरिंग चैप्टर, और आना ही आना है पक्की बात है, इसको तो करना 100% बनता है। ऐसी एक 20 दिन लगा के एक क्वेश्चन आएगा EMA में, एक लेक्चर लगा के एक क्वेश्चन आ जाएगा। एफिशिएंसी देखो इस चैप्टर की कितनी है, देखो
बी वेक्टर दे दिया, इस बार और गेम खेल दी, देखो नॉट फॉर मेडिकल अगेन, एक बार बी वेक्टर दो फॉर्म में दिया, वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट है, डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी वन है, डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, हाँ वेव की प्रोपगेशन पता लग रहा है जेड के लॉन्ग है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का सम दे दिया, इसमें बी नॉट दे दिया, यहां से बी वन भी दे दिया, आपको एक चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है क्या होगी, आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होती है, एवरेज फोर्स क्या होगी, आरएमएस वर्ड तब यूज करते हैं जब साइनोसाइडल वैल्यूज होती है ना, साइन या कॉस वाली वैल्यूज है, अब बी साइनोसाइडल है, कॉस फंक्शन है, तो ई भी कॉस फंक्शन आने वाला है, ई क्योंकि चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रही है, क्योंकि फोर्स क्या होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई चेंज हो रहा है फोर्स चेंज हो रही है, हम अगर ई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो क्यू इंटू ई नॉट मैक्सिमम फोर्स होगी, उसको रूट टू से डिवाइड करके आरएमएस फोर्स आ जाएगी, तो रूल नंबर वन पहले ई निकालना है, आपको बी नॉट पता है, ई नॉट बाई बी नॉट सी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ई नॉट निकाल लें, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड सी इंटू बी नॉट और ऐसे सी इंटू बी बना जाएगा, फिर आपने क्या करना है, आपको यह पता है कि ई की डायरेक्शन क्या होगी, निकालने के लिए बी की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, जो वेव प्रोपगेशन है वो क्या है, ई क्रॉस बी होती है, बी अगर पहले वाले पार्ट में आई कैप है, वो आई कैप है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली और वेव प्रोपगेशन के में है, तो मैं क्या लगाऊं यहां पे कि मेरा क्रॉस प्रोडक्ट के कैप आ जाए, आंसर इज माइनस जे, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस जे कैप, फिर नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में बी की अगली वैल्यू जे कैप है, अगर बी की अगली वैल्यू जे कैप है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगाऊं, प्लस आई कैप, ताकि आंसर के कैप आ जाए, तो यहां पर आंसर में क्या आएगा, प्लस, करेक्शन कर लेना, प्लस आई कैप, तो आपको ई की दो वैल्यूज पता लग गई, दो वैल्यूज पता लग गई, तो टोटल फोर्स क्या है, क्यू इन टू ई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म है तो नेट ई की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 10⁻⁵ प्लस 2 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, नेट ई आ जाएगा, इस नेट ई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, चार्ज से, तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी, पर आपको क्योंकि आरएमएस फोर्स निकालनी है तो आप इस रिजल्ट को रूट टू से डिवाइड कर दो, तो फोर्स आरएमएस आ जाएगी आंसर, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, ठीक, मेडिकल के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, अगेन एक बार आप छोड़ सकते हैं मेडिकल वाले इसे, ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं मेडिकल वाले भी, हिट एंड ट्रायल है वैसे तो, देखो मेडिकल वाले इन क्वेश्चन को ऊपर वालों को तो देखोगे ही नहीं, ऐसे कंफ्यूज हो गए, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी गिवन और वेव की प्रोपेगेशन के लिए, जब स्टेटमेंट में ये लिखा हो इंपॉर्टेंट है, जब स्टेटमेंट में ये लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, इट इज पोलराइज अलोंग के कैप, पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोलराइजेशन अगर अलोंग के कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप है, वेव की प्रोपगेशन पता है, बी वेक्टर बताने क्या होगा, क्वेश्चन टोटल हिट एंड ट्रायल पे चलेगा, चार ऑप्शंस हैं, सबसे पहले वेव की प्रोपगेशन कहां पर है, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू, तो आपकी इस इक्वेशन में, बी की इक्वेशन में आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू आना चाहिए, इसमें तो आया नहीं, तो सी ऑप्शन तो गया, पहला हिट एंड ट्रायल क्लियर है, एक ऑप्शन उड़ गई, दूसरा फिर आपको क्या करना है, आपको B का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, B वेक्टर निकालना है, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड K कैप में गिवन है, वेव प्रोपेगेशन इसमें गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर K कैप में गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका डॉट प्रोडक्ट
ई वेक्टर के साथ जीरो आ जाए, क्योंकि ई और बी तो 90 डिग्री पे है। तो ई वेक्टर क्या है? के कैप है। तो बताओ मुझे, अगर मैं के कैप डॉट प्रोडक्ट इससे लूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। अगर ये तो आंसर हो नहीं सकता, अगर मैं इसके साथ लूं के कैप डॉट के कैप तो जीरो होता ही नहीं, तो ये भी गया, ये तो पहले ही गया, ये भी गया, बचा क्या? ये रहा, क्योंकि आई डॉट के भी जीरो है, जे डॉट के भी जीरो, आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल एट टोटल, ऐसे क्वेश्चन मेन में बहुत आते हैं। नीट में थोड़े छोटे लेवल पे आ जाएंगे, पर थोड़े बहुत तो देखो इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं।